मेरे एक फ्रेंड ने सवाल पूछा अखिलेश डेली, ही इज आस्किंग नाइट्रोजन अच्छा है टायर के लिए कि एयर, नॉर्मल एयर? देखो क्या है ना, नाइट्रोजन नॉर्मल एयर है, उसके अंदर 74% नाइट्रोजन है और 20% है वो बाकी के गैसेस है। करेक्ट करेक्ट। लोग मुंबई में रह रहे हैं तो हम लोग ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि आप नाइट्रोजन डालो। उसका रीजन ये होता है, सॉल्टेड एयर होता है, उससे रीन वगैरह रस्ट होने के चांसेस होते हैं आपके, और उसके अंदर CO2 कंटेंट नहीं होता, पानी नहीं जमा होता है उसके अंदर, तो उसके वजह से वो लाइट रहता है, तो स्टिंग रेजिस्टेंस अच्छा मिलता है आपको। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अभी मैंने नाइट्रोजन डाला है और उसके ऊपर मैं नॉर्मल एयर डालू क्या? नॉर्मल एयर एक दो पॉइंट रहता है तो डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल एयर में भी 74% नाइट्रोजन है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा बहुत डिफरेंस होगा नहीं, बट इट इज एडवाइजेबल अगर मुंबई में चला रहे हो तो। आप कर रहे हो तो डिफरेंस पता चलेगा आपको जो परफॉर्मेंस, लेकिन मतलब बोलते हैं कि जितना हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके लिए तो उसका रिटर्न नहीं है, मतलब नॉर्मल एयर में भी चला कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब वन ऑफ दोस थिंग्स की ठीक है, किया तो भी अच्छा है। कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, स्टील रिम यूज कर रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। उससे टायर का लाइफ बढ़ेगा, आपका इसका लाइफ बढ़ेगा, रिम का भी लाइफ बढ़ेगा, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस तो आएगा, मतलब इतना नुकसान नहीं है। नाइट्रोजन डालोगे तो ऐसे कोस्टल एरिया में बहुत यूजफुल है। अच्छा अच्छा, वो क्यों स्पेशली कोस्टल एरिया, मतलब नहीं समझा मुझे। सॉल्टेड एयर होता है ना हमारा, उसके अंदर क्या होता है ना, रिम जंग पकड़ता है, उसमें रस्टिंग पकड़ता है। अच्छा। और जो हाई एंड व्हीकल्स होती है जैसे BMW मर्सिडीज होती है, उनके अंदर में क्या, अंदर में TPMS सिस्टम लगा रहता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। भरते हो आप, कोई कंपनी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन कोस्टल एरिया में क्या होता है, वो सेंसर जल्दी खराब हो सकते हैं, अंदर होते हैं वो, टायर के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं मॉइस्चर जमा होता है पानी का, सॉल्टेड वाला, तो रस्टिंग पकड़ता है। अच्छा अच्छा, तो अभी कम्यूटर बाइक्स के लिए, फिलहाल के लिए मार्केट में कौन से बेस्ट टायर्स हैं, मतलब आप रेकमेंड करते हैं ऐसे वाले? कम्यूटर के लिए MRF अच्छा है, भी अच्छा है, और मिशलिन अच्छा है, TVS ठीक ठाक है। देखो बेसिकली कौन सा बाइक है, क्या पर्पज है सामने वाले का, वो भी रहता है। जैसे कम्यूटर में अलग अलग आते हैं आजकल टायर्स, पैटर्न आता है जो क्रॉस वाले होते हैं, ऑफ रोडिंग टाइप में बटन पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो अच्छा। कम्यूटर बाइक पे, हाँ कम्यूटर बाइक में हर कंपनी ने टायर निकाले, अपोलो ने भी निकाले, अपोलो के भी अच्छे, जेके ने भी निकाले हैं। इसकी अच्छी वारंटी है, क्या कॉस्टिंग है वो भी मैटर करता है, बाकी मोस्टली अच्छा, कोई इससे अच्छा। ज्यादा परफॉर्मेंस होता नहीं है, मतलब अभी जो नया पैटर्न निकाला है मिशलिन ने, काफी अच्छा पैटर्न है, अच्छा है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा रिसर्च करती है, तो MRF बहुत ज्यादा रिसर्च करती है, सीएड बहुत ज्यादा रिसर्च करती है टायर्स के लिए, मतलब बायस टायर। अच्छा, और एक सवाल पूछा था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो अपना स्टॉक टायर है उससे बड़ी बड़ा टायर डालने के। अभी कैसा, देखो कभी भी आप ये करते हो, जब भी टायर अपसाइज करते हो, तो उसके अंदर पहले हमको समझना है कि अपसाइज कौन से इसमें कर रहे हैं, उसका एक मेथड होता है अपसाइजिंग का, तो प्लस वन मतलब रिम साइज अपसाइज होता है, प्लस टू रिम साइज होता है, जो प्लस वन प्लस टू होता है वो रिम साइज अपसाइज हो गया। फिर एक दूसरा अपसाइज होता है जिसके अंदर हम लोग विड्थ बढ़ाते हैं और एस्पेक्ट कम करते हैं, मोस्टली ये लोग विड्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स अ फैट टायर। तो अभी जैसा फैट टायर्स में क्या होता है कि उसका भी एक ये है कि जैसा आपका सर्कमफेरेंस है पूरा टायर का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो चेंज होगा तो आपका ओडोमीटर का रीडिंग चेंज होगा। अच्छा अच्छा, और पीछे के जो टायर है वो आपका साइड के स्विंग आर्म्स रहते हैं वो कितना परमिट करता है वो भी आपको समझना है, मतलब आपको ज्यादा परमिट अच्छा। नहीं कर सकते ना, तो साइड में टच होने के भी चांसेस है। Exactly. अगर स्विंग आर्म में उतना नहीं है। और गाड़ी जब भी बनती है तो काफी रिसर्च करके बनता है उसका टायर। Correct. मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बाइक्स के अंदर टायर अपसाइज का। लेकिन कोई 140-60 का टायर है उसकी जगह 140-70 डाल रहे हैं आप, या 130-70 है 140-70 डाल रहे हो, मामूली सा अपसाइज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अच्छा तो विड्थ में प्लस 10 इज ओके। हाँ मतलब 10 एमएम का जो फर्क है वो इट्स ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक सवाल था कि डू टायर्स बिकम हार्ड इफ नॉट रिडन फॉर लॉन्ग, इफ यस व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो अगर आप यूज नहीं करते हो, एक जगह पे गाड़ी खड़ी है तो रबर हार्ड होगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है दूसरा। मतलब आप उसको बॉडी कवर भी डाल के रखोगे तो कहीं ना कहीं धूप नहीं लगेंगी तो उसके अंदर क्रैक्स नहीं आएंगी। अगर आप नहीं चला रहे हो और कहीं ना कहीं टच हो रहा है वो, मतलब रोड पे टच होके रखा है टायर, तो कहीं ना कहीं फ्लैट कॉन्टैक्ट पैच वहां पे क्रिएट होगा। और टायर तो उसका ऑयल होता है, ऑयल जो होता है वो थोड़ा टाइम के बाद में सूखना चालू होता है। 6 साल तक कुछ होता नहीं है वैसा टायर को, आई टेल यू वेरी फ्रेंकली। अच्छा 5-6 साल तक वैसा कुछ होता नहीं अनलेस आपने धूप में रखा है टायर को। मतलब सर डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो इशू है, तो वो भी डिपेंड कौन से सिचुएशन में है हम लोग, वो भी मैटर करता है। और कौन से कंपनी का टायर है वो भी मैटर करता है। जैसे चाइना वाइना के जो टायर आते हैं जो सस्ते आते हैं उसके अंदर ये सब तकलीफें ज्यादा है आपको, उसके अंदर ऑयल वगैरह का क्वालिटी होता है। हमने चाइना के टायर की बात कर रहे हैं। मेरा आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट टिम्सन। अभी ना इसमें डायरेक्ट दो ग्रुप बनते हैं जब टिम्सन की बात होती है ना। अभी हम लोग का टाइगर ओनर्स का ग्रुप है ना, उसमें इधर पीपल हु रेकमेंड इट और बाकी लोग है बोलते लगाओ ही मत, बिल्कुल मत लगाओ ऐसे। तो आपके क्या रिव्यूज है टिम्सन के बारे में, या फिर जिस अपने जिस जिसको दिया रहेगा? टिम्सन इज अ बजट टायर, दैट्स व्हाई पीपल चूज दैट टायर। और बहुत से लोगों का हैबिट है उसको डिफेंड करने का उसी के लिए। अच्छा, दे आर परफॉर्मेंस बेस्ड टायर। बट दे आर गुड टायर, मतलब जो क्वालिटी वो दे रहे हैं वो बायस टायर में दे आर वन ऑफ द गुड क्वालिटी टायर। ओके, लेकिन दैट इज ओनली फॉर टूरर और एडवेंचर, नॉट फॉर टूरिंग ऑल्सो। बिकॉज कैसे होता है अभी जैसे वो बायस टायर, मैंने बताया एक डिफरेंस आपको कि रियल टायर महंगे होते हैं, बायस टायर सस्ते होते हैं, किंतु बायस टायर ही दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी अलग दे रहे हैं आपको, उसकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है, उसको सस्ता है। दीज आर देयर सेलिंग पॉइंट्स, बट दे आर नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड टायर। आप उसके वो टायर पे ब्रेक मारना और आप पिरेली के टायर पे ब्रेक मारना, देखो आपको डिफरेंस पता चलेगा उसके अंदर। ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कभी वाटर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपने वाटर क्रॉसिंग किया था, बराबर? यस 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 यस। वाटर क्रॉसिंग जब आप करते हो और उसके अंदर जब आपका टायर गीला होता है और पत्थर के ऊपर होता है तो स्लिप करता है। यस यस, का टायर स्लिप करेगा, मेटजलर होगा, पिरली होगा, जिसके अंदर इन लोगों ने सिलिका डाला है वो टायर स्लिप नहीं करेगा। अच्छा, उनके ऊपर भी स्लिप देगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कैसा होता है ना कि ये रिसर्च किया है इन लोगों ने, अभी जैसा मड ग्रेवल्स होते हैं, ग्रेवल्स के अंदर ये लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं इनके टायर्स। मतलब ग्रेवल्स की ब्लॉक पैटर्न है ऐसे टाइप में, ब्लॉक पैटर्न है वो कोई भी टायर। लेकिन आप अगर नॉर्मल टूरिंग, देखो यहाँ से मेरा आपको बोलना है कि आप यहाँ से लद्दाख जाते हो तो लद्दाख यहाँ से अगर चलाते जाते हो तो 900 किलोमीटर आप, मतलब 2000 किलोमीटर है समझो, तो आप 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर तो चला के जाने वाले हो। यस यस यस, वहां पे आप खड्डों में चलाने वाले हो। ये जो 1400 किलोमीटर 1600 किलोमीटर में परफॉर्मेंस जो है ना आपको, वो पिरली का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप थको, आप थकोगे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन रहते गाड़ी से, वो टिम्सन टायर में वाइब्रेशन आते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वाइब्रेशन मीटर लगा के चेक करो उसके अंदर कितना वाइब्रेट कर रहा है आपका बॉडी। ओके, बॉडी ज्यादा वाइब्रेट करता है आप थकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टिम्सन टायर खराब है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। टिम्सन टायर इज अ वेरी गुड क्वालिटी टायर फॉर बायस, लेकिन आप परफॉर्मेंस ये कि आपको पैसा बचाना है। देखो एडवोकेट्स होते हैं, वो अलग अलग एडवोकेट्स होते हैं, कोई ग्रुप में दो ग्रुप जब बनते हैं ना तो उसके अंदर कोई एडवोकेट होता है ना कि वो अपनी पैसे बचाने के लिए उसने चीज डिपेंड किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो SS2 भी अच्छा हेलमेट है और HJC भी अच्छा है और RI भी अच्छा है, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर ऑल हेलमेट, नॉट एनी सर्कमस्टेंसेस। बराबर, दोनों हेलमेट है। करेक्ट,
आप बाटा का शूज पहन के दौड़ो और आप नाइकी का शूज पहन के दौड़ो, दोनों शूज में आप दौड़ पाओगे, लेकिन कंफर्ट और परफॉर्मेंस किस में रहेगा ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो फिर आपके प्रेफरेंस और बजट आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है और फिर डिसाइड करना। अदरवाइज मैं ऐसा डिसाइड कर रहा था कि मोस्टली टूरिंग ज्यादा होती है तो आई वुड कीप अ टायर जो 70-30 हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या फिर मोर मेरा जो मैजिलर टूरांस है तो वो, या फिर वैसा टायर बिकॉज इट्स डिसेंट ऑफ रोड एंड इट्स वेरी गुड ऑन द रोड, है ना। तो एंड जब भी मेरा ऐसा, अगर मेरा कुछ है ऐसा प्रॉपर ऑफ रोडिंग, एकदम ऑफ रोडिंग है, तो आई विल कीप अ पेयर ऑफ टिम्सन। और अगर कभी मेरा ऐसा है एकदम ब्लॉक टायर वाला, क्योंकि दे आर डेफिनेटली दे आर वेरी चीप, मतलब वो 10,000 शायद उसके अंदर पेयर आ जाती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइगर के लिए भी, तो उसका एक पेयर रखूं और एकदम खराब ऑफ रोड मड एंड वहां लेके जा रहा हूँ, तो ये उसके जगह इनको लगा के आई वुड यूज इट फॉर दैट वे। लेकिन अभी यहाँ से अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो कौन सा टायर देखो, बाटा का जिसका प्रेफरेंस बाटा है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी बाटा है, वो बाटा ही यूज करेगा, उसको आप नाइकी में कन्विंस नहीं करोगे भी तो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। और जरूरी नहीं की हर सुपर बाइकर के पास में बहुत ज्यादा पैसा है करके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी है, वो भी है, दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज आल्सो ट्रू। आई रिस्पेक्ट देम, मतलब आज स्टूडेंट जो है बेचारे खुद के उतने पैसे नहीं होते उनके पास में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि रिसेंटली बहुत ये फेमस हो रहा है टायर टिम्सन का, एंड देयर आर मतलब दो है उसके बारे में, एक तो अच्छा बोलने वाले लोग है, नहीं तो एकदम उसको ये करने वाले लोग है, बट प्रोबेबली दिस मस्ट बी द रीजन। वही बता रहा हूँ, आज बाटा का शूज अच्छा लाइफ लॉन्ग चलता है और इट इज गुड टायर। मैं बोल रहा हूँ ना कि बायस में उनकी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी, काफी रिसर्च किया है उन लोगों ने। पहली ऐसी चाइनीज कंपनी है जो जापान में माल बेचती है। अच्छा, कोई जापानीज आदमी चाइना का माल खरीदता नहीं है। इट इज अ गुड क्वालिटी टायर, बट मतलब वही है कि वो इट इज वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी फॉर व्हाट इट इज, है ना, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, हम लोग ने जस्ट बात किया कि व्हाट काइंड ऑफ पंक्चर रिपेयर यू सजेस्ट। देखो कैसा होता है ना, बहुत से लोग, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने 3 टाइप के पंचर सजेस्ट किए थे। तो एक जो नॉर्मल फिलर मेथड रहता है जिसके अंदर हम लोग जो रस्सी है वो डालते हैं, तो एक मेथड होता है, सेकंड होता है मशरूम पंचर होता है, और थर्ड जो होता है वो होता है ये अपना मशरूम में भी अलग अलग आता है ए बी, मतलब जैसे एक प्लग आते हैं और एक में आता है आपका पैच आता है, मशरूम पैच आता है, और एक में आता है थर्ड में पैच आता है, बराबर। तो मैं सुपरवाइज के लिए दो ही टाइप के पंचर रेकमेंड करता हूँ यूजुअली, एक है आपका नॉर्मल फिलर मेथड और सेकेंड जो है वो आपका मशरूम। तो मशरूम पैच में रेकमेंड नहीं करता हूँ, मशरूम का जो प्लग होता है वो रेकमेंड करता हूँ, जो आपका कौन सा भी नए नए वेबसाइट पे मिल रहा है, वो वेबसाइट है उसके अंदर भी मिलता है। तो दो प्लग्स आर गुड, बट फिलर मेथड है दैट इज द बेस्ट मेथड, जो रस्सी वाला होता है, लेकिन वो क्वालिटी रस्सी होनी चाहिए बस। हाँ। वही कि ये जो नॉर्मल पंचर वाले है ना, और जैसे सुपर बाइक के टायर का पंचर बनाने का एक मेथड होता है। हाँ। जो ये पंचर वाले फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। उसके अंदर ज्यादा एयर प्रेशर में आप पंचर को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके कम प्रेशर में, और उसके बाद में उसके अंदर प्रेशर भरते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा हवा भरते फिर फेलते हैं उसको, और ये करते फिर पंचर के ऊपर पंचर भी डाल देते वो लोग बहुत बार। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ऐसा कितना पंचर तक अपन यूज कर सकते हैं टायर? अभी वही है कि कितना आपने टायर यूज किया और कैसे, कौन से जगह पे पंचर है। कभी कभी एक पंचर में भी हम लोग बोलते हैं कि टायर को निकाल दो, अभी कितना बड़ा पंचर हुआ है। और यूजुअली कैसा होता है ना, टायर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये टायर है, जब पंचर होता है तो अंदर में स्टील कॉर्ड होते हैं, अगर रेडियल टायर है तो स्टील कॉर्ड है ना, कॉर्ड जो टूट जाते हैं अंदर के, राइट।
करेक्ट. तो जब आप स्पीड में चलाते हो वो कॉर्ड्स बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं. जब कॉर्ड्स बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं तो क्या होता है ना कि कंस्ट्रक्शन बिगड़ते जाता है. फिर बहुत से बार ऐसा होगा आपको पंचर नहीं दिख रहा है लेकिन हवा निकल रही है कहीं से एकदम मामूली सी. हाँ माइनर माइनर यस 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 सुपर बाइक में बहुत होता ही है. अभी एक मेरा फ्रेंड है उसके पास मल्टी स्टार्टर है तो उसके गाड़ी में यही हो रहा था. एक वो उससे उसने सीख गया था पंचर रिपेयर करने का. तो उसने एक पंचर बनाया और ये चला रहा है गाड़ी अपना. टायर का ऑलमोस्ट लाइफ खत्म हो चुका था. नॉबी टायर था उनका 15,000 के आसपास लाइफ होता है. 15,000 हो गए थे उसके. उसके अंदर नॉबी टायर में ना ऐसे बीच बीच में क्रैक्स आ जाती है नॉब्स के यहाँ पे. उसको एब्रीवेशन क्रैक्स बोलते हैं. तो एक पंचर उसने बनाया. उसके बाद में क्या हुआ किला था उसके अंदर. उसके बाद में क्या हुआ 10 किलोमीटर के बाद में और एक पंचर दिखा. फिर उसको और एक पंचर दिख रहा है. हवा कम हो जा रहा है दूसरे दिन. तो उसको 5-6 पंचर कहते हैं 4-5 पंचर. उसने क्या किया ना चारों पांचों पंचर बना दिया. अरे बाप रे. वो एक्चुअली क्या था वो पंचर नहीं था. वो स्टील कॉर्ड ने वहां से जगह छोड़ दिया था. उसके वजह से वहां से एयर लीक हो रहा है. हवा यहाँ से जा रहा है लेकिन निकल वहां से. एब्रीवेशन क्या होता है. द रीजन वाज कि वो उतना यूज हुआ था इसके लिए.